फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल सुमित रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉन ग्रेवी मसाला। तो यहाँ पे हमने नॉनस्टिक की कढ़ाई ले ली और उस पर तेल गरम होने के लिए दे दिया। तेल गरम हो चुका है तो अब हम उनमें एक एक करके प्रॉन डाल देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ। अब इन प्रॉन्स को हम अच्छी तरह से पका लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे। देखिए, धीरे धीरे हम प्रॉन को फ्राई कर लेंगे। प्रॉन लगभग फ्राई हो चुका है, अब देख सकते हैं हमारा प्रॉन रेडी है फ्राई होके। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो एक एक करके हम इनको बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, हमारा प्रॉन जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद तेल में 1 तेजपत्ता डाल देंगे, 2 सूखा लाल मिर्च और थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच की जैसा जीरा। एक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ी देर तक प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है वे नान, राइस या फिर रोटी चपाती के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम पहले से पीसी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से मिला लेंगे मसाले को। देखिए, अच्छी तरह से मसाले को मिला लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे हम। देखिए, मसाला हमारा लगभग पक चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, टमाटर की थोड़ा सॉफ्ट होने तक। देखिए, फ्रेंड्स, हमारा जो टमाटर था वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे। अब हम इसमें 1.5 चम्मच हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सूखा मिर्च ऐड करेंगे, करीबन 1 चम्मच तक सूखा मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मसाले के साथ मिला लेंगे। देखिए, मसाले हमारा अच्छी तरह से मिल चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अब मसाले को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए।
अब हम यहाँ पे थोड़ी सी पहले से फेंटी हुई दही डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इस वक्त मसाले का जो गैस का जो फ्लेम है वो एकदम जीरो पे होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। अब ढक्कन हटा लेंगे धीरे से। देखिए मसाला तेल छोड़ चुका है अच्छी तरह से। थोड़ी सी मिला लेंगे। अब बस आधा मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। इसके बाद ढक्कन हटा लेंगे फिर से और फिर से उसे एक बार मिला लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स देखिए ग्रेवी लगभग तैयार है। अब हम इसमें जो फ्राई किया हुआ प्रॉन था वो डाल देंगे, एक एक करके मिला लेंगे फिर से एक बार अच्छी तरह से। मसालों के साथ प्रॉन बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे ग्रेवी में। जैसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी की उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं आज थोड़ी सी गाढ़ा मतलब थिक बनाना चाहती हूँ ग्रेवी, इसलिए मैं थोड़ा सा कम पानी डालूँगी। अब इसके ढक्कन लगा के बस 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर ढक्कन हटा के 2 चम्मच शक्कर डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस हमारा ग्रेवी तैयार है। थोड़ी सी गार्निशिंग बाकी है इसकी। थोड़ी सी धनिया पत्ता मिला देंगे इसमें। अब मिला लेंगे अच्छी तरह से और आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला मिला देंगे इसमें। गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से मिलाकर गैस बंद कर देंगे। उसके बाद इसका ढक्कन लगा के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। और अब तैयार है हमारा ग्रेवी प्रॉन मसाला सर्व करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।